बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जॉब्स की तलाश। जी हाँ, तो आज जिस हवाले से वैकेंसीज आई हुई हैं वो है KPK पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ, तो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में बेशुमार वैकेंसीज मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट देख लेते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें आखिरी तारीख के शाम 5 बजे दफ्तरी औकातकार तक वसूल की जाएंगी। शाम 5 बजे के बाद कोई दरख्वास्त काबिले कबूल नहीं होगी। सो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, आज ही इस जॉब के लिए अप्लाई करें। ऑनलाइन भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस हवाले से वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक वगैरह में डिपार्टमेंट में ये डिफरेंट वैकेंसीज मौजूद हैं। 28 पोस्ट मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर FO, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए ये वैकेंसीज मौजूद हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है वो एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। एज लिमिट आगे बता रहे हैं 21 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। 17 स्केल की ये जॉब है। बहुत मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे 24 पोस्ट मौजूद हैं जनरल कोटा के लिए। एलोकेशन आगे बता रहे हैं कि मेरिट में 5 हैं, Zone 1 में 4 हैं। इसी तरह ये सब आपने अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। 2 पोस्ट मौजूद हैं फीमेल कोटा में, 1 पोस्ट मौजूद है माइनॉरिटी कोटा में, 1 पोस्ट मौजूद है डिसेबल्ड कोटा में। इसी के साथ आगे चलते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ लेबर अंडर लेबर डिपार्टमेंट। 8 पोस्ट मौजूद हैं इंस्पेक्टर मेयर्स एंड वेट के लिए। क्वालिफ़िकेशन जो है एटलीस्ट सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री विद फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स वगैरह होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 25 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। 16 स्केल की जॉब है। जी हाँ, तो ये 16वें ग्रेड की जॉब है। मेल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज मौजूद हैं। मेल प्रिंसिपल एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉमर्स, PhD इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट, क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री BA BS होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 32 to 45 ईयर्स होनी चाहिए। पे स्केल जो है वो 19 स्केल की जॉब है। जी हाँ, तो 19वें ग्रेड की जॉब है। ये सब आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है। मेल इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में ये वैकेंसी मौजूद हैं। असिस्टेंट की वैकेंसी है, क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट जो है वो 22 से 32 साल वाले इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। 17 स्केल की ये जॉब है। बहुत मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मेडिकल कॉलेज सवात में ये वैकेंसी मौजूद है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। 35 से 50 साल वाले इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्स रिटायर्ड। पे स्केल जो है वो 17 ग्रेड है। 17वें स्केल की जॉब है। मेल और फीमेल दोनों इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। एलोकेशन है मेरिट। ज़कात, उशर, सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी मौजूद हैं। 3 पोस्ट मौजूद हैं रिहैबिलिटेशन ऑफिसर्स के लिए। क्वालिफ़िकेशन जो है वो एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह में ये मौजूद हैं। क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 21 से 35 साल वाले जॉब को अप्लाई कर सकते हैं 21 to 35 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स। पे स्केल जो है वो 17 ग्रेड की जॉब है। बहुत मेल एंड फीमेल दोनों इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह मौजूद हैं, ये जो सब आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेनी है। आपका जो डोमिसाइल है वो कंप्लीट होना चाहिए लास्ट डेट से पहले पहले। आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। CV वगैरह सब आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है। इसी के साथ जो इसकी लास्ट डेट है वो बताई जा रही है 29 February 2024। जी हाँ, तो 29 February इसकी लास्ट डेट बताई जा रही है। 29 February से पहले पहले आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। ये ऊपर इनकी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह दिखाई जा रही है KPK पब्लिक सर्विस कमीशन की, ये भी आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेनी है। आप इस पर फर्दर डिटेल वगैरह भी ले सकते हैं। ये इनका आगे टेलीफोन नंबर वगैरह भी दिखाया जा रहा है और आप एप्लीकेशन वगैरह सबमिट भी करवा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए, आमीन। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ भी आई होगी। इसी के साथ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।